हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सतीश, सब सभी को स्वागत है शत्रुघ्न चौबे चैनल पे। फ्रेंड्स, हम आज हम बात करने वाले बलोचिस्तान वर्सेस सदरन पंजाब के बीच में होने वाले मैच के बारे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कैप्टन, वाइस कैप्टन और दोनों टीम की प्लेइंग 11 और की प्लेयर्स को हम कवर करने वाले हैं। और इसके साथ हम बताने वाले आपको पॉइंट टेबल में देखा जाए तो बलोचिस्तान अभी तक 3 मैच खेले, इसमें 2 मैच जीते और 1 मैच हार गए। तो सदरन पंजाब की बात करें तो 2 मैच खेले, 1 मैच जीती और 1 मैच हार गई है। और पॉइंट टेबल में देखा जाए तो बलोचिस्तान अभी नंबर 1 पर है और सदरन पंजाब 4थी प्लेस पर है। और फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। और मैच की डिटेल्स देखा जाए तो दोस्तों, ये मैच बलोचिस्तान वर्सेस सदरन पंजाब 9वां मैच हो रहा है। ये मैच इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में होने वाला है। और सदरन पंजाब की प्लेइंग 11 की देखा जाए तो एस मकसूद, एस असलम, एस डंडर और ये सलमान, उमेद आसिफ, मोहम्मद इरफान, जाहिद मोहम्मद, एस मसूद, यू सिद्दीकी, आमिर यामिन, वहाब रियाज है। और सदरन पंजाब की की प्लेयर्स एंड परफॉर्मेंस की देखा जाए तो एस मकसूद ने अभी तक 25 रन और 24 रन मारे, असलम ने 3-3, डंडर ने अभी तक नहीं खेले और असलमान ने 7 और 0 विकेट और उमेद आसिफ ने अभी तक 8 रन और 0 विकेट लिए हैं। और दूसरे मैच में विकेट भी नहीं लिया और बैटिंग भी नहीं उतने। इरफान ने अभी तक 3 विकेट लिए हैं पूरे, पहला मैच में 2 विकेट और दूसरे मैच में 1 विकेट लिया। जाहिद मोहम्मद की बात करें तो 0 रन और 2 विकेट लिए हैं और उसके बाद 0 रन और 0 विकेट में। एस मसूद की बात करें तो कैप्टन है टीम के, 8 रन और 18 रन मारे। यू सिद्दीकी ने अभी तक 15 रन और 1 रन मारे। आमिर यामिन बात करें टीम की अच्छी है, 30 रन और 0 विकेट लिए, 15 रन और 1 विकेट लिए थे। वहाब रियाज सबसे अच्छे टीम के परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इस मैच एक मैच में 16 रन और 1 विकेट लिया, दूसरे मैच में 42 रन 17 गेंदों में मारे थे और उसके बाद 3 विकेट लिए हैं। और साहिब बदर ने लास्ट मैच में, सेकेंड मैच में 49 रन मारे थे। बलोचिस्तान की प्लेइंग 11 की बात करें, यासिर शाह, आकिफ, जावेद मोहम्मद, असगर, उमर गुल, बिस्मिल्ला खान, तालात, हरीश सोहल, इमामुल हक और अवजिया, अहमद भट्ट और इमरान फरहत है। और बलोचिस्तान की परफॉर्मेंस देखा जाए तो हरीश सोहल ने अभी तक खास परफॉर्मेंस नहीं दिया, पहला मैच में 0 और 1 विकेट लिया था, उसके बाद 11 रन और 2। और इमरान फरहत 3 मैच पूरा खेले गए बलोचिस्तान। इमरान फरहत की बात करें तो 16 रन 0 रन और 11 रन। और उसके बाद हुसैन तलत की बात करें तो फ्रेंड्स 0 रन 18 रन और 1 विकेट लिया, 14 रन मारे हैं। इमामुल हक की बात करें तो पहला मैच में 70 रन, दूसरे मैच में 25 रन और तीसरे मैच में 11 रन। अहमद भट्ट की बात करें टीम की अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, 4 रन और 1 विकेट लिया था, 31 रन और 1 विकेट, 0 रन और 3 विकेट लिए थे लास्ट मैच में। और उमर गुल की बात करें तो 5 रन 1 विकेट 2 विकेट लिए। यासिर शाह की बात करें तो 5 रन 1 विकेट 1 विकेट और 2 विकेट। इमरान भट्ट अभी तक 1 मैच भी नहीं खेला। अवेशिया की बात करें तो ओपनिंग पर उतरते इमामुल हक के साथ 31 रन 77 रन 56 रन अच्छी पा रही है इनके। तैमूर खान अभी तक 1 मैच भी नहीं खेले हैं और शहबाज खान अभी तक 1 मैच भी नहीं खेले हैं। और बिस्मिल्ला खान की बात करें, ये टीम के विकेट कीपर हैं, तो 2 रन 54 रन और 51 रन मारे हैं। और आकिफ जावेद की बात करें तो अभी तक पहली बार बैटिंग नहीं है और दोनों मैच में 3 मैच में पूरा 4 विकेट लिए हैं अभी तक आकिफ जावेद। और अली शफीक अभी तक 1 मैच भी नहीं खेले हैं और मोहम्मद तालहा अभी तक 1 मैच भी नहीं खेला। और मोहम्मद असगर की बात करें तो अभी तक पूरी सीरीज में 1 विकेट लिए और 2 रन मारे हैं और खास परफॉर्मेंस मोहम्मद असगर ने अभी तक नहीं दे चुके हैं। और की प्लेयर्स की बात करें तो बिस्मिल्ला खान, इमामुल हक बलोचिस्तान के, हरीश सोहेल, अवेजिया, हुसैन तलत, अहमद भट्ट और यासिर शाह। और सदरन पंजाब पाकिस्तान के की प्लेयर्स की बात करें तो उमर सिद्दीकी, शान मशीद, शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज, आमिर यामिन, वहाब रियाज, मोहम्मद इरफान, रहत अली है। और सेफ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की बात करें तो वहाब रियाज को आप कैप्टन बना सकते हैं, उमर गुल को बना सकते हैं, हरीश सोहेल को, अहमद भट्ट को बना सकते हैं, इमामुल हक, जाहिद मोहम्मद, हुसैन तलत, बिस्मिल्ला खान, आप इनमें कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों ले सकते हैं। और बलोचिस्तान को आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, 3 मैच खेले, इसमें 2 मैच जीते और 1 मैच हार गए। सदरन पंजाब पाकिस्तान की बात करें तो 2 मैच खेले, 1 मैच जीती है और 1 मैच हार गई है। ये पूरा टीम है, आपको मैं ड्रीम 11 दिखाने वाला हूं। फ्रेंड्स, वीडियो विकेट कीपर में बात करने से मैं बिस्मिल्ला खान को विकेट कीपर, आप चाहे तो सिद्दीकी को लेकर सकते हैं, लेकिन बिस्मिल्ला खान अच्छे परफॉर्मेंस लगातार दे रहे हैं, मैंने बिस्मिल्ला खान को लिए हैं। और बैट्समैन में बात किया तो मैंने 4 बैट्समैन को लिए, इमामुल हक को लिए हैं, उसके बाद ए जिया को लिए हैं क्योंकि ये अच्छी ओपनिंग दे रहे हैं बलोचिस्तान के लिए। इस मसूद और मकसूद को मैंने लिया, वही 4 बैट्समैन को लिया। और ऑलराउंडर की बात करें तो मैं तलात, अहमद भट्ट को लिए हैं, आप चाहें तो यमीन को भी ट्राई कर सकते हैं, जावेद को ट्राई कर सकते हैं। और गेंदबाजी में बात करें तो मैंने 4 गेंदबाज को लिया, उमर गुल, यासिर शाह, वहाब रियाज और मोहम्मद इरफान, मैंने 4 गेंदबाज को मैंने चूज किया। आपको मैं टीम प्रीव्यू दिखाने वाला हूँ। और टीम प्रीव्यू देखा जाए तो बिस्मिल्ला खान को मैंने विकेट कीपर लिया और मैंने 4 बैट्समैन को लिया, जिया, इमामुल हक, एस मसूद और मकसूद और एस मसूद को लिया। और ऑलराउंडर में बात करें तो अहमद भट्ट, तालत को लिया, आप चाहे तो जावेद को ट्राई कर सकते हैं और यामिन को ट्राई कर सकते हैं ऑलराउंडर में। और मैंने गेंदबाजी की बात करें तो मैंने 4 गेंदबाज को लिया, उमर गुल, यासिर शाह, वहाब रियाज और मोहम्मद इरफान। और कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करें तो ये जिया को और मैंने अहमद भट्ट को लिया है, आप इनमें बदल सकते हैं, आप इमामुल हक को कैप्टन भी बना सकते हैं, वाइस कैप्टन बना सकते हैं। अब वहाब रियाज को क्योंकि अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, विकेट भी ले रहे हैं और बैटिंग भी कर रहे हैं, तो अब वहाब रियाज को कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। यही है दोस्तों पूरी टीम। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक ठोक के जाना, क्योंकि आपकी वीडियो से मुझे पता चलेगा, डिसलाइक से मुझे वीडियो में क्या इंप्रूव करना, क्या कंटेंट डालना है। थैंक यू दोस्तों।